हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट सीसीएमएन काउंसलिंग या सीसीएमटी काउंसलिंग 2023 को पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अपना रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे बनाना होगा। ओबीसी, एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है या एससीएसटी है, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनाना है, किस लेवल का बनाना है, किस लैंग्वेज में बनाना है, इन तमाम सवालों पे हम पूरा डिटेल से लाइव डेमो के साथ स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी एनसीएल को लेकर। तो स्टूडेंट्स, आपको ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लेवल का बनाना है। किस लेवल का बनाना है? आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल बनाना है। अगर आपका ओबीसी एनसीएल हिंदी लैंग्वेज में है तो भी एक्सेप्टेबल है, अगर इंग्लिश में है तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपका अदर किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। इसके साथ स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि सर इसको ऑनलाइन बनाना है या ऑफलाइन बनाना है। जो अभी सीसीएमटी की वेबसाइट पे फॉर्मेट दे रखा है या सीसीएमएन की वेबसाइट पे फॉर्मेट दे रखा है, उसका प्रिंट निकाल के उस पर साइन करना है, कौन सा बनाना है? तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टेट में ऑनलाइन बन रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे सैंपल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ओबीसी एनसीएल का सैंपल है, ठीक है। या आप ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ऑफलाइन कैसे बनाना होगा? जो भी सीसीएमटी की या सीसीएम की वेबसाइट पे फॉर्मेट दे रखा है उसका प्रिंट निकाल लो, और उसके ऊपर आपको जो भी अथॉरिटी है, आपका तहसीलदार है, एसडीएम है, एसडीओ है, रेवेन्यू ऑफिसर है, सर्किल ऑफिसर है, उनका साइन या सील आपको करवा लेना है, तो स्टूडेंट्स आपका ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लेवल का बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी जेएम काउंसलिंग का फॉर्मेट में बना रखे हैं या कोप के फॉर्मेट में बना रखे हैं, तो स्टूडेंट वो भी एक्सेप्टेबल है, अगर आपने आईआईटी जेएम का फॉर्मेट बना रखा है ऑलरेडी या कोप का फॉर्मेट आपने बना रखा है, तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल होता है डेट को लेकर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सीसीएमटी या सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल का, वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से पहले का बना हुआ एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके साथ स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हमने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लिया है, हमने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन बना लिया है, तो अब हम कैसे चेक करें कि हमारा सही है या नहीं है? तो स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे रेजुलेशन नंबर, क्या देख रहे हैं आप? रेजुलेशन नंबर। इन रेजुलेशन नंबर में से कोई आपका एक रेजुलेशन नंबर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। अगर सारे रेजुलेशन नंबर आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है तो कोई बात नहीं, वो भी एक्सेप्टेबल है। इनमें से कोई एक भी रेजुलेशन नंबर आपके सर्टिफिकेट में अवेलेबल है तो स्टूडेंट्स आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, चाहे आपने ऑनलाइन बना रखा हो, चाहे आपने ऑफलाइन बना रखा हो, चाहे आपका और किसी फॉर्मेट में आपका बना हुआ हो, वो एक्सेप्टेबल होगा स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है? तो फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ऑनलाइन आप अपने अथॉरिटी से अप्लाई कर दो, और ऑफलाइन को कैसे बनाना होगा? आपको ये जो प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है, आप सीसीएमटी की वेबसाइट या सीसीएम की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल के आप अपने अथॉरिटी से बना सकते हो। जैसा कि आप बहुत सारे सैंपल आप ऑफलाइन के भी देख पा रहे होंगे और ऑनलाइन भी सैंपल आप देख पा रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि स्टूडेंट इसमें ये जो चार कंडीशन दे रखी है ना, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या नहीं आते हैं, इसमें देखो चार कंडीशन दे रखी है, ये चार कंडीशन आपकी होनी चाहिए। आपने अगर ऑलरेडी बना लिया है तो उसमें ये चार कंडीशन आपकी बिल्कुल सेम है तो स्टूडेंट्स आपका एक्सेप्टेबल है, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जैसे ओबीसी एनसीएल में रेजुलेशन नंबर आपका होना चाहिए जो यहाँ लिस्ट में दे रखा है, वैसे ही स्टूडेंट्स आपके ईडब्ल्यूएस में ये चार कंडीशन होनी चाहिए, ये चार कंडीशन आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे स्टेट में सेंट्रल लेवल का और जो स्टेट लेवल का अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। जी हां स्टूडेंट्स, कुछ स्टेट में सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो ईडब्ल्यूएस बनाया वो सही है कि नहीं है? बस ये चार कंडीशन है ना, वो उसमें होनी चाहिए, ये चार कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स आपका एक्सेप्टेबल होगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। कहाँ से बनाना है? आपकी जो भी अथॉरिटी है, तहसील ऑफिस है या एसटीएम ऑफिस है, एसटीओ ऑफिस है या सर्किल ऑफिसर है या सीओ की ऑफिस है या सीओ की ऑफिस है या रेवेन्यू ऑफिस है, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। ऑफलाइन भी बना सकते हैं और ऑनलाइन भी आप स्टूडेंट्स बना सकते हैं। और इसका जो डेट है वो 1 अप्रैल 2023 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर। तो स्टूडेंट्स, एससी एसटी वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने एससी का या एसटी का शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कैटेगरी सर्टिफिकेट बना रखा है तो आपको नया बनाने की जरूरत नहीं होती है, जो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ये रूल केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए नहीं है।
अगर जो स्टूडेंट्स अभी नहीं बनाए हैं या फिर जो बना चुके हैं उनको कैसे वेरीफाई करना होगा कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो सही है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप ऑर्डर देख पा रहे होंगे, इनमें से कोई एक ऑर्डर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, इसमें से कोई एक ऑर्डर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक ऑर्डर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में है या फिर आपका कास्ट है वो इनमें से किसी एक ऑर्डर में बिलोंग करता है तो स्टूडेंट्स आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सही है, चाहे आपने ऑफलाइन बना रखा है, चाहे आपने स्टेट लेवल का बना रखा है या फिर आपने सेंट्रल लेवल का बना रखा है। कुछ स्टेट में सेंट्रल लेवल का अलग होता है, स्टेट लेवल का अलग होता है, और कुछ स्टेट में सेंट्रल और स्टेट का एक ही सर्टिफिकेट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये ऑर्डर चेक लेना। जैसा कि आप बहुत सारे सैंपल में आप देख पा रहे होंगे इस तरह का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है एस सी एस टी का, लेकिन अलग अलग स्टेट का जो डिजाइनिंग है सर्टिफिकेट का वो अलग अलग होता है, लेकिन जो अंदर का मेन कंटेंट होता है वो सेम होता है, ठीक है, ऑर्डर को लेकर। और आई होप स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। बहुत जल्द मैं स्टूडेंट्स आपके लिए लाइव सेशन लेकर आ रहा हूं, उसमें हम और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे काउंसलिंग को लेकर। अभी आपका CCMN या CCMT काउंसलिंग जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है। आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, पर्सनली कॉल करके आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो कॉलेज रिव्यू को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर, या किसी प्रकार का एडमिशन को लेकर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में हमारा टीम हैंडल करेगा। स्टूडेंट्स हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को, एडमिशन फॉर्म से लेकर स्टूडेंट्स आपका जब तक फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा, स्टूडेंट्स पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके साथ ही काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कौन कौन सी कॉलेज में, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है, उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट या फ्रीज कैसे करना है, इसके साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी, और सीट मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं होगा तब तक पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा कोई स्टेप नहीं जहां पर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। IIT JM वाले बॉटम पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिलअप करना है और पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, या फिर आप जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी काफ़ी कम प्राइस के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ आपको हमारा मेंबरशिप स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर दो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप रजिस्टर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। धन्यवाद।